ये बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं फौजी क्रिकेट ग्राउंड मापोली का, उसके परिसर का, खेत खलियान नजर आते हुए, हरे भरे वृक्ष, वाड़ा हाईवे आप देख सकते हैं और मापोली भी वहां से नजर आता हुआ, दिल को छू लेने वाला ये नजारा। प्रिंस मूवीज की ये पेशकश आप देख रहे हैं जो ड्रोन कैम है उसे। प्रिंस मूवीज ने तो कमाल किया है। खेल की शुरुआत होने जा रही है, पहला सेमीफाइनल, दो सेमीफाइनल मुकाबले आप देखेंगे, एक ग्रामीण से और एक सिटी क्रिकेट से। ये ग्रामीण से सेमीफाइनल है, जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी। जय दुर्गा सुरई बनाम मित स्पोर्ट्स कवाड़, कवाड़ की सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है, वैभव और उनके साथ योगेश। मोटा सिरा बल्ले का गली की तरफ चली गई गेंद, पहला रन बनता हुआ इस सेमीफाइनल मुकाबले का। आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है ऑल मापोली स्पोर्ट्स क्लब्स की ओर से मापोली क्रिकेट धमाका में। एक रन बिना किसी नुकसान के मित कवाड़, दोनों भी टीमों ने बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेला है। मैं नेहायत ही खुशी से ऐलान करता हूं कि कमेंटेटर जकीन अचन हमसे जुड़ चुके हैं। इस बीच एक गेंद हुक करने की कोशिश, जकीन अचन बड़े अदब और एहतराम से, मैं अपने काबिल दोस्त को आवाज दे रहा हूं कि कम से कम जब तक मैं खाना खाऊं आप कमेंट्री कीजिएगा अजय गरत के साथ। एक ऐसी आवाज जिसने इस इलाके की आइडेंटिटी बना दी, बहुत ही मशहूर कमेंटेटर जकीन अचन। सुनील की गेंद गलत लाइन पर खेल रहे थे, अपील वहां पर और आउट, स्टंप्स कर दिए गए, पहला झटका मित इलेवन कवाड़ को। किनारे को छोड़ते हुए विकेट कीपर के पास चली गई और पलक झपकते ही स्टंप्स बिखेर दिए थे वहां पर विकेट कीपर ने। सुभाष की शानदार विकेट कीपिंग, पहला झटका लग चुका है मित इलेवन कवाड़ को। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए मशहूर कमेंटेटर जकीन अचन, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत करना चाहूंगा मैं कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथी कमेंटेटर जकीन अचन का। धन्यवाद अजय घरत। तो महापोली ट्रॉफी में तमाम दर्शकों का दोपहर के सत्र में हार्दिक स्वागत। इस बार उछाल दिया है गेंद को हवा के साथ, फील्डर के ऊपर से 6 रन। हवा का अच्छा लाभ उठाया बैट्समैन विशाल ने और इस टूर्नामेंट में
90 बल्लेबाज अब ऐसे बन चुके हैं जिन्होंने पहली गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोला है। ये देखिए शॉर्ट आर्म पुल, अच्छी सोच वहां पर नाचन। निश्चित रूप से थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास, उसका भरपूर फायदा उठाया। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। भरपूर लाभ उठाया, कोई अवसर नहीं था किसी भी फील्डर के पास इसे रोकने का। एक बाउंस और सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति, 11 रन एक विकेट के नुकसान पर मित 11 कवाड़। तो फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगाए, समय का ख्याल रखे। तमाम खिलाड़ियों से हमारा ये निवेदन रहेगा, गुजारिश है, बराए मेहरबानी समय के मामले में कमेटी को सहयोग करें। पिछले 9 दिनों से काफी सहयोग रहा है तमाम टीमों का और अंतिम दिन है, इसमें भी कमेटी को बराए मेहरबानी सहयोग करें। दूसरे सेमीफाइनल के टॉस के लिए धनेश 11 के कैप्टन और महिंद्रा के कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है। नेवर की शुरुआत, डाउन द ग्राउंड खेला है, 2 खिलाड़ियों के बीच में से बाउंड्री के बाहर 4 रन। शानदार बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है, बहुत ही हेलो बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई दर्शकों को। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, मित कुमार कवार है मेरे ख्याल से बल्लेबाजी करने वाली टीम। फिर से हवा में गेंद और इस बार बाउंड्री के बाहर 6 रन। चौको छक्को की बारिश होती हुई इस समय, कमाल की बैटिंग देखने को मिल रही है, टूट पड़े हैं विशाल और वैभव। निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर वैभव द्वारा। फिर से थोड़ी सी धीमी गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिया, दूर से खींच कर शॉट लगाया हुआ, स्टंप से खींच कर शॉट लगाया हुआ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इस बार मिस टाइम शॉट, कॉटन बोल का अवसर और भुना लिया उसको, विकेट का पतन होता हुआ। वापसी करते हुए सुजीत पाटिल। अजय, अक्सर देखा गया है कि अगर गेंद का पेस कम किया जाए तो बल्लेबाज को एक अतिरिक्त ताकत लगानी होती है, जिसके फलस्वरूप बल्ला काफी नीचे चले जाता है और गेंद हवा में काफी ऊपर होती है, टाइम नहीं कर पाते बल्लेबाज। जी हाँ, और अत्यधिक आक्रामक भी हो गए थे, हर गेंद को बाहर पहुंचाने की कोशिश। लेट स्विंग देखने को मिला, पड़ने के बाद बाहर निकल रही थी, ऊपर लगी काफी बल्ले के और एक अच्छा कैच खुद गेंदबाज ने ही लिया। मित 11 कवाड़ को लगने वाला ये दूसरा झटका, स्कोर इस समय 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यह मुकाबला 4 ओवर प्रति पारी का है। अच्छा मनोरंजन किया है यहां पर इन दोनों भी टीमों ने अभी तक दर्शकों का। नए बैट्समैन अमित चिप किया है, हवा में गेंद, फील्डर आए और कोई गलती नहीं, अच्छा कैच। ट्रिपल एस चैनल्स के ज्वाइंडर अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बराए मेहरबानी उनसे मेरा निवेदन है कि कवाड़ का मैच यहाँ पे शुरू है और कवाड़ इस इलाके में आपका टेलीकास्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बराए मेहरबानी। इसी के साथ साथ भिवंडी मंडे से भी कुछ कंप्लेंट यहाँ पर आई हुई है कि ट्रिपल एस का टेलीकास्ट दिखाई नहीं दे रहा है, बराए मेहरबानी ज्वाइंडर से रिक्वेस्ट है कि आप सहयोग करें। मेरे ख्याल से बताया जा रहा है भावेश्वर द्वारा कि मंडे पे डेन टेलीकास्ट होता है चैनल,
11 रन बनाकर आउट हुए, वैभव और 10 रन बनाकर आउट हुए। विशाल अच्छा खेल रहे थे दोनों भी, लेकिन जल्दबाजी कर पर 3। डेन चैनल में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ इलाकों में हमारा टेलीकास्ट रुक गया है। जैसे ही शुरू होगा हम आपको मापुली क्रिकेट धमाका बताएंगे, तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। हैट्रिक गेंद, बोला जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक था, स्लिप की दिशा में एक रन के लिए। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने आगे बढ़ते हुए गेंद को फील किया। अमित ने अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ, स्कोर 22 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं समय मापोली क्रिकेट धमाका, मापोली ट्रॉफी 2016-17 का ये पहला सेमीफाइनल। नए बैट्समैन विक्की स्ट्राइक पर आते ही उछाल दिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, 6 रन और बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर विक्की के बल्ले से आता हुआ। मेरे ख्याल से छक्के की मदद से अपने खाते का ये शुरुआत करते हुए यहाँ पर विक्की। कितने बल्लेबाज बने हुए साहिबो मोमिन। आइए दोस्तों, हमसे जुड़ चुके हैं जकी नाचन, बहुत ही मशहूर कमेंटेटर हैं, वॉइस ऑफ मापोली और इस इलाके की बहुत ही सुरेली आवाज है। उनको रवा तबसरे के लिए मैं लपकुशाई के लिए आवाज देना चाहूंगा इस शेर के साथ के, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, और लब कुशाऊं तो इस यकीन के साथ जान देने का हौसला है मुझे। आइए जकी नाचन। धन्यवाद भावे सर। तो कवाड़ के समर्थक आपको पर्दे के थोड़ा पीछे होना है, पर्दे पे हाथ नहीं रखना है प्लीज। तो 2 ओवर की समाप्ति, तीसरी ओवर की शुरुआत, यहाँ पर रन बने हैं 28 3 विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद भावे सर। बहुत सारे रिकॉर्ड इस टूर्नामेंट में बने हैं। साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि छक्के की मदद से अपने खाते का आगाज करने वाले 91 बल्लेबाज बने, अब तक 25 साल में 34 बल्लेबाज। इस बीच ब्लॉकों में बड़ी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अपने स्टंप को बचाया वहां पे बल्लेबाज ने, अपने फॉलो थ्रो में अक्षय ने फील्ड किया बिना किसी रन के, 28 पे रुका हुआ स्कोर। तो एमएलए ट्रॉफी में 34 बल्लेबाजों ने खाते से छक्के की मदद से अपने खाते का शुरुआत की थी, ये रिकॉर्ड बहुत दूर जाता हुआ। तमाम दर्शकों को और एक मैं रिकॉर्ड बताता चलूं, जैसे मुझे समय मिलेगा, मेरे साथी कमेंटेटर हमारे उस्ताद सिद्दीक भाभे का एक रिकॉर्ड है, शायद बताया जा चुका है कि नहीं हम देखेंगे। इस बीच ऑफ स्टंप के को छोड़ती हुई गेंद थी, स्टेयर करने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, बिल्कुल पॉइंट पे फील्ड हुई, बहुत अच्छा चॉप किया था उन्होंने, बैकलीफ को नीचा किया था, स्कोर आगे जा पहुंचा 29 रन। अब विकी जो कि छक्के की मदद से अपने खाते की शुरुआत कर चुके हैं, अक्षय अपने वर्ग की अगली गेंद, विकेट के लिए इस बार आगे बढ़े, फुल टॉस गेंद थी, शॉट हम पुल करने की कोशिश, वाइड स्लॉग ऑन पे फील्डर मौजूद, एक रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा 30 रन। हमारे बीच सरजील भाभे साहब तशरीफ लाते हुए, आपका इस्तकबाल है आपके सपूत मोहद्दीस भाभे के साथ, लगते जिगर बहुत ही डीकॉक की तरह उनकी आंखें। इस बीच अक्षय फिर से फुल टॉस गेंद थी, अजीब गरीब फ्लिक शॉट वहां पर, फील्डर वहां पे मौजूद, एक रन मिलता हुआ, स्कोर आगे जा पहुंचा। तो तीसरी ओवर चलती हुई, रन हुए है 31। ग्रामीण पूल का सेमीफाइनल का मुकाबला आप देखते हुए, विकी एक छक्के और 2 सिंगल की मदद से 8 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए। अक्षय अपने ओवर की अगली गेंद, विकी के लिए इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, ग्राउंड के सारे गेंद जाती हुई, फील्ड भी एक रन लेने का समय था बल्लेबाज के पास, एक रन से स्कोर आगे जा पहुंचा 32 रन। और अगला सेमीफाइनल वही टीमों के बीच में जो 4 बार टकराई,
तीन बार फाइनल में, दो बार महेंद्र जीती, एक बार धनेश, और एक बार क्वार्टर फाइनल में टकराई। दो दो मैच दोनों जीत चुके हैं और पांचवा मुकाबला होने जा रहा है। इस बार फिर से शॉर्ट गेंद थी, वो क्या फील्डर वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया कैच और विकेट गिरता हुआ यहां पर अमित का। एलिवेशन नहीं था शॉट के पीछे, आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे वहां पे बैट्समैन। छोटी गेंद जरूर थी लेकिन ज्यादा पिछले पांव पे नहीं गया, ऑफ स्टंप के बहुत बाहर से खींच के मारा था, यही कारण था कि क्लियर नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट पे आउट हो गए बैट्समैन। तो स्कोर है यहाँ 32 रन, आउट होने वाले बल्लेबाज अमित 3 रन के निजी योग पे पवेलियन में वापस जाते हुए। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है यहाँ पर, 32 रन 4 विकेट के नुकसान पर। मिथ स्पोर्ट्स कवाड़ बल्लेबाजी करते हुए आवाज देना चाहूंगा मैं, महेंद्र स्पोर्ट्स के कैप्टन और धनेश के कैप्टन आ चुके हैं अरफन मौला खिलाड़ी, भावेश पवार, पपिया खारिक, आपको भी टॉस के लिए तैयार रहना है। 3 ओवर की समाप्ति, 32 रन आप देख रहे हैं। ग्रामीण पूल से सेमीफाइनल मुकाबला मेरा साथ निभा रहे बहुत ही मशहूर और मारूफ कमेंटेटर जकी नाचन। तो नई ओवर की शुरुआत करेंगे आकाश, मयूर इस बार फिर से बेहतरीन शॉट, लेकिन उसी फील्डर के पास में एक अटेम्प्ट में कैच छूटता, दूसरे अटेम्प्ट में कैच लेने में सफल हुए और यहां पर विकेट गिरता हुआ मयूर का। इसको रुका हुआ है 32 रन। फिर से काफी दूर से खेलने का प्रयत्न किया था, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए बल्लेबाज, और देखिए किस तरीके से कैच यहां पे फिनिश होता हुआ विकेट नंबर। कल यहां वसीम जाफर और मुसावरी खुटे जब आए थे तो दंग रह गए थे, इसको इसीलिए मैंने नाम दिया है क्रिकेट इनक्रेडिबल, नायाब क्रिकेट, अनमोल क्रिकेट। तो पहले ही गेंद पर आउट, जीरो पर आउट होने वाले 72वें बल्लेबाज बनते हुए यहां पर मयूर, हमें बताते हुए यहां पे साइबर मोमेन जिन्हें मैं अक्सर मैनुअल कंप्यूटर कहता हूं, बढ़िया स्कोरिंग, ये नया रिकॉर्ड अब तक लाए, लेकिन मुझे याद है कि 92 का रिकॉर्ड कैफी आजमी में रहा था, शून्य पे आउट होने वाले बैट्समैन। इस मरतबा ड्राइव किया बहुत तेज आउटफील्ड में, एक रन बना, तालमेल की कमी, लेकिन कलेक्ट नहीं कर पाए, 2 रन बनाए, बहुत ही बढ़िया शॉट था यहाँ पर ग्राउंड के सारे, गेंद गई थी लॉन्ग ऑन पर, समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरे करने का और स्कोर 2 रन की मदद से जा पहुंचा 34 रन। पहली गेंद पे बैट्समैन आउट हुए, 0 का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, 160 बैट्समैन शून्य पे आउट हुए, मानो बल्लेबाज चश्मों की दुकान में नजर आए। आकाश इस बार खड़े खड़े ड्राइव करने की कोशिश है विकी द्वारा, ऑफ स्टंप पर बीट होते हुए बिना किसी रन के, इसको रुका हुआ है 34 रन। चौथी और अंतिम ओवर का खेल चलता हुआ आप देख रहे हैं महापोली ट्रॉफी ग्रामीण पूल का पहला, ग्रामीण पूल से सेमीफाइनल मीत कवाड़ और जय दुर्गा सुरई। इस बार ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद काफी बाहर जाती हुई हंपायर द्वारा वाइड घोषित की गई, 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे जा पहुंचा 35 रन। जकी नाचन का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि जो कमी रही थी उनके आवाज से पूरी हुई। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और तेज कदमों से 2 रन यहां पर पूरे होते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 37 रन। अभी भी सेफ टोटल हम नहीं कह सकते क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं यहां पर सुरई की, और सुरई के बल्लेबाज जिस तरह फॉर्म में, ये टोटल अच्छा नहीं लग रहा है। सुरई ने पिछला सेमीफाइनल भी खेला था आपको याद होगा, चक के लिए वार्न किया है वहां पर गेंदबाज को अंपायर ने, टू टू गो सॉरी, चक के लिए नहीं आपको वार्न किया है फारूक बर्डी, शायद देर हो गई है। आकाश
इस बार बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देते हुए बल्लेबाज विकी के लिए बीट होते हुए ऑफ स्टंप पर बिना किसी रन के स्कोर रुका हुआ 37 रन। एक्सप्रेस गेंदबाजी हो रही है भाभी सर आकाश द्वारा। और इनिंग की आखिरी गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया पुल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के बहुत ही बढ़िया शॉट। तो 43 रन बने और 44 रनों की चुनौती फाइनल में पहुंचने के लिए सुरई टीम के सामने रखी है। आइए दोस्तों, फाइनल से पहले फाइनल मैच होने जा रहा है महिंद्रा स्पोर्ट बनाम धनेश 11 कुक से। फाइनल से पहले फाइनल, या तो फाइनल में छुपा हुआ फाइनल अब देखने जा रहे हैं। और टॉस इस वक्त मैं दोनों टीम के कप्तान से कहूंगा कि आपको ग्राउंड पे चलना है। बाली ट्रॉफी में फाइनल से पहले फाइनल रहा था धनेश कुक से और बी इंडियन के बीच में, और मापोली ट्रॉफी में अब फाइनल से पहले फाइनल धनेश और महिंद्रा के बीच में। दोस्तों आपकी मालूमात के लिए कि ये टीमें इस सीजन में पिछली 7 ट्रॉफीज में 4 बार टकराई है, 2 में जीत धनेश की, 2 में जीत महिंद्रा की, हिसाब किताब बराबर है। आप ये टॉस दो दिग्गज टीमें और इस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के लिए दो यंग और डैशिंग जो नौजवान है इस मापोली के, उनके हाथों से हम टॉस उड़ा रहे हैं। फाइक पटेल एंड आमान भावे। फाइक पटेल और आमान भावे जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए ऑर्गेनाइज की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। आइए, मेरे पास सिक्का है, दोनों का हाथ में पकड़ना है। विनर कहना है पपिया खारिक का और आ गया मापोली ट्रॉफी। टॉस जीतने में भावेश पवार आप ज्यादा लक्की साबित हुए। भावेश पवार चाम बढ़ गया है, शाम भी खूबसूरत हो चुकी है, दर्शक भी बहुत बढ़ गए। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। और इस माहौल में, इस एटमॉस्फेयर में आप खेल रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वातावरण भी बहुत अच्छा है। फील्डिंग करने के पीछे कोई गेम प्लानिंग? चेसिंग हमको इजी जाता है, बल्लेबाजी बहुत फॉर्म में चली इसलिए चेस करना चाह रहे। ये बताइए कि सचिन गायकवाड या सभी खिलाड़ियों को गैसुद्दीन को आउट करने का कोई गेम प्लानिंग? गेम प्लानिंग तो है, फिर हम मैच में खेलेंगे। मैच में आप दिखाएंगे ग्राउंड पे, कहां तक रुकना चाहेंगे एक टारगेट? 60 के अंदर। ऑल द बेस्ट। पपिया खारिक नंबर 1 पे आप रैंक कर रहे, लेकिन वो बोलते हैं 7 दाव पे लगी, नंबर 1 पे रहना है तो आगे बढ़ना होगा। आप लोगों के बीच दो दो मुकाबले हो चुके हैं, दो दो जीते, टीम वो भी अच्छी है, आपकी टीम भी अच्छी है, लेकिन आप टॉस जीतते तो मेरा अपना मानना था बल्लेबाजी करते, नहीं फील्डिंग कर दे, लेकिन आप बल्लेबाजी करना है, कहां तक जाना चाहेंगे? क्या मैसेज है बल्लेबाजों को कि इस अहम मुकाबले में कितने रन बनाए? 70 प्लस जाना चाहेंगे। 70 प्लस जाने के लिए फिर से आप निर्भर किस पे कर रहे हैं? गैसुद्दीन शेख, बिलाल शेख, सचिन, स्वयं आप और कौन से बैट्समैन है? क्या विशाल पाटिल ऊपर आएंगे? नहीं, अभी एक दो बैट्समैन पे नहीं ये करेंगा, मैं पूरे 10 बैट्समैन के लिए ये करूंगा। क्या बात है, पूरे खेलेंगे तो हम जीतेंगे, लेकिन ये अपेक्षा करें कि फिर आगे की तरफ आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द ग्राउंड इज धनेश 11 वन द टॉस, दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, इज बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद सदीक भावे, और सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है यहाँ पर मापोली क्रिकेट धमाका में। पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय खेला जा रहा है, चुनौती 44 रनों की है जय दुर्गा सुरई के सामने फाइनल में पहुंचने के लिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पर मिथ 11 कवाड टीम ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है, काफी संघर्ष हो सकता है इस पर।
वीआईपी डाइस का नजारा इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर। सलामी जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है, रुपेश और उनके साथ कैप्टन विनोद पाटिल, पहली गेंद लेकर योगेश। लेग स्टंप पर आ रही थी, हल्के से टर्न किया उसको, एक रन। खाता खुलता हुआ पहली गेंद पर जय दुर्गा सुरई का। पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन पारियां खेली थी दोनों भी बल्लेबाजों ने, 26 रन बनाए थे रुपेश ने और कैप्टन विनोद पाटिल ने 22 रन बनाए थे। धीमी गति की गेंद, सुरक्षात्मक तरीके से खेला, केवल पुश किया था कवर पॉइंट की तरफ, एक रन के लिए। स्कोर इस समय 2 रन बिना किसी नुकसान के। लेकिन आखिरी गेंद पे जो सिक्सर लगा अजय करत, वो इस मैच में कहीं निर्णायक रोल ना अदा कर दे। जी हाँ, अभी से कहना कुछ मुश्किल है। विक्की ने अच्छी पारी खेली थी 18 रनों की। पुल कर दिया गेंद को खाली क्षेत्र में, 4 रन, बढ़िया शॉट। आखिरी क्षणों तक देखते रहे थे गेंद को रुपेश, गेंद को उन्होंने कट होने दिया। ये देखिए बुमराह की तरह बॉलिंग एक्शन, बड़ी लेग कटर थी, बहुत खूबसूरत शॉट। बल्ले के बीचों बीच लेकर पुल किया था, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। पहला चौका जय दुर्गा सुरई के लिए आता हुआ, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की चुनौती है। और जिस तरह से दोनों भी बल्लेबाज फॉर्म में नजर आए हैं, उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर मिड 11 के गेंदबाजों के लिए। इस जोड़ी को तोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण यदि मिड 11 को कुछ करना है तो इस मैच में। दोनों भी बल्लेबाजों की खासियत है कि ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब जरूरत पड़ती है स्लॉगिंग की तो स्लॉग भी अच्छा करते हैं, अनऑर्थोडॉक्स क्रिकेट भी खेल सकते हैं। पावर प्ले चलता हुआ इस समय, केवल 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, डीप स्क्वायर लेग और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। अपील और आउट, बढ़िया कैच, बाहरी सिरा बल्ले का, दर्शक खुश होते हुए यहां पर मिड 11 कवाड़ के जश्न मनाते हुए सभी खिलाड़ी, बड़े विकेट का पतन हुआ है। बिल्कुल, पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे छोटू और सस्ते में आउट हो गए वहां पे रुपेश। ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा, दूर से खेला था, मोटा सिरा लगा था, बढ़िया कैच विकेट कीपर का फर्स्ट स्लिप के सामने। गेंद पड़ने के बाद कितनी कट होती है योगेश की, उसी में चकमा खा बैठे थे, मोटा सिरा लगा बल्ले का, आगे रखा था गेंद को, ये भी खासियत थी। और काफी दूर से खेलने का प्रयास किया था रुपेश ने, अपना विकेट गवाकर लौटे पेवेलियन में, केवल 5 रन बना पाए इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल मुकाबले में। नए बल्लेबाज अक्षय, अक्षय जो कि बायत के बल्लेबाज है, ये भी अच्छा ऑलराउंडर है। बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहां से अक्षय के कंधों पर। रुपेश इनफॉर्म बैट्समैन आउट हुए, 2 मुकाबलों में वो मैन ऑफ द मैच रहे इस टूर्नामेंट में, लेकिन इस सेमीफाइनल मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए बल्ले से, सिर्फ 5 रनों का योगदान दिया। तेज हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, बहुत ही जबरदस्त तेज और चमकदार धूप खिली हुई है इस समय मापोली के इस खूबसूरत फौजी क्रिकेट ग्राउंड पर। खुशनुमा मौसम है। अपील और उंगली ऊपर, एक और झटका, जश्न मनाते हुए खिलाड़ी, क्यों ना मनाएंगे। और ये देखिए दर्शक थिरकते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, जबरदस्त सपोर्ट है यहां पर मिड 11 को। 2 गेंदों में लगातार 2 बड़े विकेट्स, फुल टॉस गेंद पर
चूके अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश अंपायर के मन में कोई शंका नहीं थी। जैसे ही अपील हुई हसन मोमिन ने अपनी उंगली ऊपर कर दी। जय दुर्गा सुरई इस समय थोड़ी सी संकट में, 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, खाता भी नहीं खोल पाए अक्षय। अक्षय 72वें बल्लेबाज बने हैं मापोली क्रिकेट धमाका में, जो पहली गेंद पर शून्य का चश्मा पहनकर आउट हुए। नए बैट्समैन सुजीत पाटिल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ी है अब क्रीज पर। दोनों के पास ग्रामीण क्रिकेट का तो अच्छा अनुभव है ही है, सिटी क्रिकेट का भी बहुत ही गहरा अनुभव है दोनों बल्लेबाजों के पास। देखना है क्या वो अनुभव काम आता है या नहीं जय दुर्गा सुरई के लिए। शानदार गेंदबाजी करते हुए इस समय योगेश, हैट्रिक का मौका है उनके पास। नंदित नैन से राइट आर्म ओवर द विकेट, आगे रखा, हल्के हाथों से पुश करते हुए एक रन के लिए दौड़ पड़े एक्स्ट्रा कवर की तरफ। जोखिम नहीं उठाया इस स्ट्रोक में, इस गेंद पर सुजीत पाटिल ने अपना खाता खोला सिंगल के साथ, सफल ओवर की समाप्ति। 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जय दुर्गा सुरई। काफी कुछ बचा हुआ है इस मैच में। जिस तरह की शुरुआत चाहिए थी मित 11 कवाड़ को, बिल्कुल उसी तरह की शुरुआत दिलाई है योगेश ने। कप्तान ने जो भरोसा जताया था पावर प्ले में योगेश पर, उस पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए। बहुत ही खूबसूरत चेहरा आपके टीवी स्क्रीन पर, काफी प्यारा बच्चा है। बच्चे हो, जवान हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी ने आनंद लिया है इस मापोली ट्रॉफी का। नए ओवर लेकर गोविंद, स्लॉग हवा में गेंद और जाएगी बाहर, 6 रन। बल्ले के बीचों बीच लेकर उठा दिया था सुजीत पाटिल ने, अपने हाथ खोलते हुए आगे रखा था गेंद को, स्लॉट में आ गई। ये देखिए, स्वागत किया सेमीफाइनल मैच में गोविंद का, अंदर की तरफ आ रही थी, बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया था वाइड स्मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पारी में लगने वाला पहला सिक्सर, 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ, जय दुर्गा सुरई का 13 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। उस दिशा में शॉट खेला गया था जिस दिशा में हवा के झोंके भी बह रहे हैं। गोविंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार थोड़ा सा शॉट रखा था, बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, खींचने की कोशिश, ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन जमीनी रास्ते से पहुंची गेंद डीप मिड विकेट पर 1 रन के लिए। हमारे बीच जनाब इरफान भूरे साहब का आगमन होता हुआ मोहम्मद भूरे के साथ यहां पर आते हुए, आप दोनों का भी दिल की गहराइयों से स्वागत है मापोली क्रिकेट धमाका में। इस बार गेंद के लाइन के अंदर आते हुए हुक कर दिया, 4 रन, शानदार शॉट, जैसी गेंद वैसी नसीहत। लेग स्टंप पर आ रही थी गेंद, छोटी थी, जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद देखी थी विनोद पाटिल ने, हरकत में आ गए थे, बहुत ही सही पोजीशन में आते हुए शॉट खेला गया, फाइन लेग भी ऊपर था, खराब गेंद थी, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए 4 रन। विनोद पाटिल के बल्ले से निकलने वाला ये पहला चौका इस पारी में। रुपेश ने एक चौका जड़ा था, 5 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद पहली गेंद पर खाता खोले बगैर ही आउट हो गए थे अक्षय। इस समय रन संख्या 18 2 विकेटों के नुकसान पर, अभी भी 26 रन और चाहिए। बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया है, 6 रन, शानदार बल्लेबाजी, काफी ऊपर चली गई थी गेंद, गगनभेदी शॉट, काउंटर अटैक शुरू हो गया है। बिल्कुल स्लॉट में आ गई थी, ऑफ स्टंप के बाहर से स्लॉग स्वीप के अंदाज में बेहतरीन स्ट्रोक। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर 6 रनों की छाप पड़ चुकी थी।
गेंद जब हवा में चली गई थी तभी साहिबा मोमिन ने भी 6 रन लिख लिए थे। इतना जबरदस्त शॉट था और ऐसे स्ट्रोक्स गेंदबाज के दिल भी दहला देते हैं। दबाव में नजर आ रहे हैं इस समय गोविंद, काफी खर्चीले साबित होते हुए अभी तक 4 गेंदों में 17 रन खर्च कर चुके हैं। सोचने पर मजबूर कर दिया है दोनों भी बल्लेबाजों ने मिथ 11 के कैप्टन को। अभी भी 2 गेंदे इस ओवर में शेष है, बहुत ही महंगा ओवर साबित होता हुआ। बचे हुए 14 गेंदों में अब 20 रन चाहिए जय दुर्गा सुरई को और मिथ 11 कवाड़ को कहीं ना कहीं विकेट की जरूरत। कौन बदलते हुए राउंड द विकेट, ऊपरी सिरा लेकिन किस्मत वाले हैं विनोद पाटिल, विकेट कीपर के ऊपर से चली गई, 1 रन दौड़ कर पूरा करते हुए। शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर ने गेंद को उठाया था। 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर गोविंद, खराब गेंद, फुल टॉस, उसको निकाल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा की तरफ। 4 रन, नो बॉल का इशारा आता हुआ बीमर, और अब फ्री हिट भी मिलेगा सुजीत पाटिल को, सोने पे सुहागा। मैच के ड्राइविंग सीट पर आती हुई इस समय जय दुर्गा सुरई, सही निर्णय अंपायर का, काफी ऊंची फुल टॉस गेंद थी। 5 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। स्थिति काफी मजबूत इस समय जय दुर्गा सुरई की, 13 गेंदों में केवल 14 रन चाहिए फाइनल में प्रवेश करने के लिए। फ्री हिट, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए लेकिन परवाह नहीं है बल्लेबाज को, कैच छूटता हुआ डीप में और गेंद अब जाकर उठा रहे फील्डर। 3 रन की कोशिश, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। हमारे बीच मोहतरम अशफाक सूसे साहब का आगमन होता हुआ, आपका हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं मापोली क्रिकेट धमाका में ऑल मापोली स्पोर्ट्स क्लब्स की ओर से। फिर से नो बॉल था, ये तो हद ही कर दी गोविंद ने। फिर से फ्री हिट, 10 चाहिए अब जीतने के लिए। इस बार फ्लिक करने की कोशिश, इस बार कोई रन नहीं मिलेगा बैट्समैन को इस फ्री हिट पर। खेलने से चूक गए थे विनोद पाटिल, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ओवर रहा जय दुर्गा सुरई के दृष्टिकोण से। कुल मिलाकर 27 रन आए इस ओवर से, दो ओवर की समाप्ति 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 34 लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर 2 ओवर्स जय दुर्गा सुरई। बचे हुए 2 ओवर्स में केवल 10 रनों की आवश्यकता है दुर्गा सुरई को फाइनल में पहुंचने के लिए। बाजिल पटेल उनके साथ जनाब इरफान भूरे साहब, और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा, ऊपर से वाकई में दुनिया बहुत खूबसूरत नजर आती है लेकिन ये ग्राउंड तो नीचे से भी खूबसूरत है। मापोली का खूबसूरत फौजी क्रिकेट ग्राउंड, फौजी क्रिकेट ग्राउंड का ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं ड्रोन कैम से, जो हेलीकैम है उससे ये दृश्य दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज का ये एक अनमोल तोहफा है क्रिकेट प्रेमियों के लिए। नया ओवर लेकर गेंदबाज विशाल, शॉट ऑन पोल, हवा में है गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और विकेट मिलता हुआ। विकेट्स की ही तलाश में थे गेंदबाज। विशाल ने आते ही अपनी गेंद से एक सफलता दिलाई है मिथ 11 कवाड़ को। सुजीत पाटिल ने ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा था, टॉप ऑफ द बैट लगी थी, ऊपर लगी थी और काफी देर हवा में रही थी गेंद, स्कायर था लेकिन अच्छी तरह से जज करते हुए फील्डर डीप मिड विकेट पर। विक्की थे फील्डर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अभी भी यह मुकाबला देखा जाए तो जय दुर्गा सुरई के पक्ष में थोड़ा सा झुका हुआ नजर आ रहा है लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है।
दो तीन अच्छी गेंदे दबाव बना सकती है बल्लेबाजों पर। दिशाहीन गेंद, बहुत ही खराब गेंद, व्हाइट का इशारा, भटक गए अपनी दिशा से। विशाल हमारे बीच मोहम्मद भूरे है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। आई एम मोहम्मद भूरे, आई एम विशाल द बेस्ट। थैंक यू मोहम्मद भूरे। इस बार हल्के हाथों से टर्न कर दिया है गेंद को, डीप में से आए फील्डर। ओ हो हो, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। बिल्कुल पूरे यहाँ पर कप्तान विनोद पाटिल अपने आप को झोंक रहे हैं, और एक कैप्टन जब आगे रहता है तो नतीजा यही आता है। ये देखिए, हल्के हाथों से टर्न कर दिया था, बैकवर्ड स्क्वायर लीग पे गेंद को उठाया, एक रन पूरा दूसरे के लिए छलांग लगा दी उन्होंने। उनको पता है कि ये छलांग बहुत काम की। अब 7 रन दूर है जीत से, हुक कर दिया गेंद को फील्डर, वहां पर बढ़िया कैच, कोई गलती नहीं डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। विनोद पाटिल लौटते हुए पेवेलियन की तरफ, लेकिन लगभग अपनी टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया है। वहां पर हमारे बीच माजी सरपंच बोरियोली के मोहतरम अशफाक सुसे साहब तशरीफ ला रहे हैं, ला चुके हैं, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम। इस पूरी स्पर्धा में इनक्रेडिबल ड्रेस स्पॉन्सर के लिए मैं इरफान भूरे साहब तारिक साहब शख्सियत का शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट प्राइज के लिए इमरान शाह, हमारे बहुत ही डैशिंग। सेकंड प्राइज के लिए फराज और शाहिद थानवाल का, मुजाहिद भाबे, मुसद्दिक सूसे, मजाज भूरे। तीसरा चौथा इनाम जो है सरजिल भाबे, बेस्ट बैट्समैन एंड बेस्ट बॉलर। एलईडी बची हुई 9 गेंदों में 7 रनों की दरकार जय दुर्गा सुरई को जीतने के लिए। विशाल की अगली गेंद, इस बार लेंथ गेंद थी, बैकफुट पर जाकर खेला है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट, फील्डर वहां पर पहुंचे, सिर्फ 1 रन। यहां पर सिंगल बचाने की कोशिश हो सकती है मिथ 11 की, क्योंकि गेंदें ज्यादा बची है, रन कम है, 8 गेंदों में केवल 6 रन चाहिए। दो नए बल्लेबाज क्रीज पर, संदीप और आकाश। बढ़िया गेंद, पेस परिवर्तन, मौका रन आउट का, लेकिन निशाना चूकता हुआ, बाल बाल बच गए संदीप। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, मिथ 11 कवाड़ ने भी वापसी की है इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विशाल, 7 गेंदे 6 रन चाहिए। ये गेंद काफी महत्वपूर्ण है कवाड़ के दृष्टिकोण से, पूरी तरह से चूके, एक और डॉट बॉल, शानदार ओवर की समाप्ति। 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 3 ओवर्स के बाद जय दुर्गा सुरई। अब 6 गेंदों में चाहिए 6 रन। रोचकता बढ़ती हुई, दिलचस्प होता हुआ यह खेल, और अभी तो ये सेमीफाइनल ग्रामीण का हो रहा है, अगला मुकाबला फाइनल से पहले फाइनल या फाइनल में छुपा हुआ फाइनल आप देखने जा रहे हैं, जहां पर धनेश ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। मेरे साथ इस समय मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, जिनका ये 699वां टूर्नामेंट है जिसमें वो कमेंट्री कर रहे हैं, और सिल्वर जुबली अपने कमेंट्री करियर की मना रहे हैं, 25वां साल है, और उसको हम जरूर सेलिब्रेट करेंगे इस मैच के बाद। ऑर्गेनाइजिंग कमिटी द्वारा सेलिब्रेशन होगा, होना भी चाहिए, ये भी तो डेडिकेशन है क्रिकेट के प्रति। और मैं पहले पूरी कमेटी, अदनान बाबे, शहजाद टोन, इमरान शाह,
सभी शैलेश गायकॉट, मनीष कौर, पूरी कमेटी, इरफान भूरे साहब और पूरे मापोली के इस प्यार को एडवांस में मैं उनको थैंक्स कहता हूं। इस बार पुल किया गैप में 4 रन, महत्वपूर्ण बाउंड्री, और पुल नहीं किया बल्कि गेंद गुल हुई और मैच भी गुल होता हुआ। पुल कर दिया गैप में और गेंद अब जाती भी 4 रनों के लिए, बाउंड्री के पीछे गुल और 2 रन चाहिए। सुरई ने फिर साबित कर दिया है कि मापुली की सरजमीन सुरई को रास आ गई। जी हाँ, हालांकि पिछले सत्र में सेमीफाइनल में टीम हारी थी, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं जीत के द्वार खोल दिए। इस वक्त उनका सामना उस वक्त की वक्की स्पोर्ट मापुली से था, जिन्होंने कई बड़ी टीमों को सिटी क्रिकेट में पछाड़ा था। ये देखिए, फ्रंट लेग को अलग किया था, बहुत ही खूबसूरत पुल शॉट। बढ़िया वापसी, विजेंद्र भी इस बहुत जल्द हार मानने वालों में से नहीं है। इस स्पर्धा में जो बड़े रंग बड़े, मैं इरफान भूरे साहब आपका शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने कलरफुल ड्रेसेस देख के रंगीन बना दिया इनक्रेडिबल को। इमरान शाह हमारे बहुत ही फोकस मैन है, फर्स्ट प्राइज देकर फराज और शाहिद ठानवाल ने, सेकंड प्राइज देकर मुजाहिद भाबे ने थर्ड, मुसद्दिक सूसे ने फोर्थ, मजाज बूढ़े ने वॉशिंग मशीन बेस्ट बॉलर, सरजील भाबे ने बेस्ट बैट्समैन वॉशिंग मशीन, आफ्ताब खान ने एलईडी मैन ऑफ द सीरीज और ट्रॉफी फरहान पटेल ने, इन सब के हम शुक्रगुजार हैं। इसी बीच एक और डॉट बॉल, ओहो, ये मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, अब हम नहीं बता सकते कि कौन जीतने जा रहा है। कितनी गेंदे, एकाएक मोड़ लिया है मैच ने, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। आपका सेलिब्रेशन तो हम बाद में मनाएंगे, लेकिन देखना है कि उससे पहले कौन सी टीम सेलिब्रेट कर पाती है। और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ इब्राहिम खान साहब का। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर और एक शॉट मिड विकेट, कैचिंग पोजीशन में स्लिप भी नजर आ रही है। स्लिप नहीं है बल्कि शॉट फाइन लेग की तरफ खिलाड़ी है। लॉफ्टेड शॉट डाउन द ग्राउंड और जय दुर्गा सुरई फाइनल में पहुंचते भी। अभिनंदन विनोद पाटिल, अभिनंदन सुरई। सारे मैन ऑफ द मैच हम आखिर में देंगे, लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे सुजीत पाटिल, सुरई एक्सप्रेस। ऑलराउंड प्रदर्शन सुजीत पाटिल का, और ये देखिए सेलिब्रेशन का केक, मशहूर कमेंटेटर सिद्दीक भाबे, ये तो कमेंट्री के ऑलराउंडर है। सिल्वर जुबली लगातार 25 सालों से उसी तरह की कमेंट्री जिससे उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। हमारे बीच साजिद पटेल साहब उर्फ मुन्ना साहब आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है मापुली क्रिकेट धमाका में। और ये एक और धमाका होने जा रहा है, अब केक काटेंगे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक भाबे। सत्कार होता हुआ जनाब इरफान भूरे साहब उनका सत्कार करते हुए शॉल और पुष्प गुच्छ देकर। हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ, बहुत बहुत थैंक्स भी मैं कहना चाहूंगा यहां पर ऑर्गेनाइजिंग कमिटी को, ऑल मापुली स्पोर्ट्स क्लब को।
जिस भी टूर्नामेंट में सिद्दीक भाभी आए हैं वो टूर्नामेंट हमेशा सफल हुआ है। प्रिंस मूवीज के रवि गुलबी को भी उनको बधाई देते हुए डिजर्व भी कर रहे थे सिद्दीक भाभी। दोबारा वो हमसे कमेंट्री बॉक्स में जुड़ते हुए